Hello student, welcome to BDSK online classes. I study class 7, topic है triangle and its property. Triangle and its property में हमने types of triangle और sum of exterior angle properties को हम लोगों ने solve किया, ठीक है? पर problems को solve किया था और exercise 7.6.2 को हम लोगों ने complete किया था. आज हम एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले एक स्टेटमेंट देखेंगे. स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट, और जो कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द टोटल मेजर ऑफ द टोटल मेजर ऑफ The three angle of a triangle. The angle of a triangle is 180. आज इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे. कैसे होता है कि the total measure of three angles of a triangle is 180. कैसे होगा, आइए इसका प्रूफ देखें. प्रूफ में सबसे पहले ये हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल हमने ले लिया है, ए बी एंड सी, ठीक है. अब इसके हमने थ्री अल्टरनेट साइड्स को लिया, मान लीजिए जैसे हमने एक्स मान लिया, ये हमारा वाई है एंड ये हमारा जेड, ठीक है. अब इसे हमें प्रूफ करना है कि सम ऑफ एक्स वाई जेड तीनों एंगल का जो सम होगा, यानी टू प्रूफ दैट, यानी कम टू प्रूफ दैट, प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. आइए इसे हम प्रूफ करते हैं कैसे होता है. चले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं P एंड Q, ठीक है. इसके पैरेलल है ये लाइन, क्या है पैरेलल है, ठीक है. तो हम लिखेंगे क्या, पी क्यू पैरेलल है इसके बी सी के, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन, ठीक है. अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा. इसे हम सपोज कर लेते हैं 1 एंड इसे सपोज कर लेते हैं 2. तो क्या लिखेंगे, एंगल पी ए बी इक्वल होगा ए बी सी के, जिसे हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक. तो ये हमारा एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 y इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. नाउ ओके, लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है बी सी के और ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, इस अ ट्रांसवर्सल लाइन. अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन तो फिर वैसे ही बनेगा क्या, क्यू ए सी, क्यू ए सी इक्वल होगा ए सी बी. नाउ क्यू ए सी एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल जेड, इक्वेशन सेकेंड. अब क्या करना है, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन. और जब भी हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं बेटा, तो वो एक 180 डिग्री का एंगल शो करता है. तो यहां देखते हैं क्या होगा, पी ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो पी ए के बीच में हमारे पास तीन एंगल है, तीनों का सम भी क्या होगा 180 होगा, 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब क्या करते हैं, 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल 1 की वैल्यू वाई है और एंगल 2 की वैल्यू जेड. तो एंगल 1 की जगह पर वाई लिखेंगे और एंगल एक्स और एंगल टू की जगह पर जेड लिखेंगे, इक्वल टू 180.
So x plus y plus z equal to 180 ऐसा हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। यानी हमने क्या किया, the total measure of a triangle three angle, the total measure of a three angle of a triangle is 180 degree, ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया, ऐसा होता है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है 6.3, find the value of the unknown x, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। द फॉलोइंग डायग्राम, ये हमारे पास ए वन टू थ्री फोर फाइव डायग्राम दिए गए हैं, इनमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें यही स्टेटमेंट याद रखना होगा कि 10, ठीक है, द टोटल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो हमारे पास पहला फिगर है, फिगर वन, फिगर वन में हमारे पास थ्री एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहां पर लिखी है बी नो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 50 है, एक्स प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस 110 equal to 180. Now x is equal to 180 minus 110. Now x is equal to 70. ठीक, तो इस फिगर के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर सेकंड, फिगर सेकंड में हम देखेंगे कि हमारे पास ये 90 डिग्री है, एंगल ए P है प्लस एंगल Q है प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ऐसा हम जानते हैं, वी नो दैट। चलिए एंगल P की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू गिवन है एंगल Q 30 डिग्री और एंगल R की वैल्यू है यस नाउ 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 120 plus x is equal to 180. Now x is equal to 180 minus 120 is equal to x is equal to 60. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने फिगर नंबर वन देखा और फिगर नंबर टू में x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। फिगर थर्ड देखा जाए तो स्टूडेंट फिगर थर्ड में हमारे पास है फिगर थर्ड, फिगर थर्ड में हमने ये रखा है एबीसी ट्रायंगल है, तो फिगर थर्ड वी नो दैट, वी नो दैट क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए की वैल्यू है यस, एंगल बी की वैल्यू है 50 एंड एंगल सी की वैल्यू है यस equal to 180 degree. Now 2x plus 50 is equal to 180 degree. Now 2x is equal to 180 minus 50. 2x is equal to 130. Now x is equal to 130 upon 2. Now x is equal to 65 degree. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की 65 डिग्री। फिगर नंबर फोर देखेंगे, फिगर फोर, फोर में हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू भी एक्स, बी की वैल्यू भी एक्स एंड सी की वैल्यू भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 180 अपॉन 3 इस x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से फिगर नंबर 4 में हमने देखा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर नंबर 5,
तो इन फिगर 5 में हम देखेंगे, फिगर हमारे पास 5 है, फिगर 5 में हमारे पास है एंगल एबीसी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 1। एक्चुअली एंगल ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 8x एंड बी की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 90 एंड सी की वैल्यू x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली नाउ 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 90, नाउ x इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, नाउ x इज इक्वल टू 3 × 9 = 30। हम लोगों ने फिगर नंबर 5 में पाया x इज इक्वल टू हमारा 30°। अगर हमें अलग अलग निकालना हो तो एंगल ए की वैल्यू 2x यानी 2 × 30 यानी 60°, एंगल बी की वैल्यू हमें मालूम है 90 एंड एंगल सी की वैल्यू यस यानी 30। इस तरह से 30, 60, 90 और प्लस 90 180 हमने क्लियर कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, इसी फार्मूले के साथ हम लोगों ने इस फिगर के एंगल्स में यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स को क्लियर किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।